प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 6,370 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और जबकि प्रदेश में 281 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को कोरोना के 201 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 9 की मौत हुई है। प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,260 से ज्यादा है। भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ कुल केस 1,300 के करीब पहुंच गए हैं और अब तक 42 की मौत हो चुकी है। राजधानी में शनिवार को 51 नए केस सामने आए हैं। वहीं भोपाल में अब तक 774 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। केंद्रीय सरकार की टीम की रिपोर्ट एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि भोपाल में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने की वजह से कोरोना तेजी से फैला। केंद्र सरकार की जो टीम भोपाल आई हुई थी उसने सर्वे के बाद जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल से 17 मई तक सब्जी किराना लेते समय बेवजह घर से बाहर निकले 16.8% लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 53.9% लोग सीधे संक्रमण का शिकार हुए हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों की में जो कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा बढ़े हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां पर जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे वो कोरोना की चपेट में अधिकतम आए हैं। यानी अक्सर देखा गया है कि ये बहाना बनाकर लोग अक्सर घूमते हैं कि वो सब्जी लेने जा रहे हैं या जरूरी सामानों को खरीदने के लिए जा रहे हैं। यानी कि बेवजह वो घर से बाहर निकल रहे थे ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरासत अरविंद चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक बेवजह घूमने वाले ज्यादा शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है? बात करें लॉकडाउन के चलते जो संक्रमण अभी 3 जिलों में फैला हुआ है क्योंकि पूरे प्रदेश में जो रेड जोन बनाए गए हैं अभी घोषित किए गए हैं भोपाल, इंदौर और उज्जैन, उसमें से खुलासा टीमें आई हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने टीम भेजी है कि क्या कारण रहे हैं कि इनमें बराबर बड़ी तरीके से ले जा रहे हैं। तो खुलासा हुआ है कि रेड जोन के दौरान जो प्रशासनिक अमले ने छूट दी थी और लोग बेवजह घर से बाहर निकले थे सब्जी के लिए, राशन के लिए, दूध के लिए, उससे लगभग कह सकते हैं कि जो संक्रमण की जो संख्या थी वो ज्यादा हुई है और निकलने के उपरांत 16.8% लोग इसमें संक्रमित हुए हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि सब्जी भाजी लेने के लिए जो लोग बाहर निकले हैं उससे बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया जिसमें 53.9% लोग सीधे संक्रमण के शिकार हुए हैं। कहीं नहीं कह सकते हैं जो संक्रमण फैला हुआ है उसके चलते जो लोग बाहर निकले हैं, तुम घर में नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया है, उल्लंघन किया गया है, उसी के चलते ये टीम जो रेड जोन घोषित किए गए हैं इंदौर, भोपाल और उज्जैन, उसमें ये संक्रमण बढ़ा हुआ है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो लॉकडाउन लोगों ने छोड़ा है उसका खामियाजा सीधा सीधा कहीं कहीं जो और लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया है उन्हें भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि रेड जोन की वजह से यहाँ के लोगों को न तो ये सीधे जो ग्रीन जोन में आने जाने की परमिशन नहीं है, वो जाएंगे तो उन्हें ई पास देना पड़ेगा जबकि पूरे प्रदेश में लगभग प्रदेश के 52 जिलों में अब ई पास की सुविधा खत्म कर दी गई है। वो कहीं भी आ जा सकते हैं सर्वे वाहन से, लेकिन 3 जिलों को छोड़कर वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि रेड जो होने की वजह से और यहाँ का जो संक्रमण फैला हुआ है वो ज्यादा संक्रमण फैला है और जो सीधे फेस टू फेस शिकार जो लोग हुए हैं वो लगभग उसकी संख्या लगभग 58% है जो बहुत कहीं है। इसके चलते लॉकडाउन में ये जो छूट दी गई है और लोगों ने उल्लंघन किया है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसका कहीं नहीं जिम्मेदार है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह कड़ाई से इसका पालन नहीं करवाया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि केंद्रीय रिपोर्ट टीम आई थी, उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट दे दी है और कहा है कि यहाँ का प्रशासनिक अमले ने सही तरीके से काम नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर संक्रमण की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। खबर इंदौर से, जहां इंदौर की बात की जाए तो यहां शनिवार को 713 सैंपलों में से 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं जबकि 114 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत वाली बात यह भी है कि अब तक 1,400 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होने के बाद घर भी लौटे हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर में अब तक
29,000 से ज्यादा की जांच हो चुकी है। और अब उज्जैन से खबर, जहां कोरोना के 25 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही यहां कुल मामले बढ़कर 550 हो चुके हैं। बात मौतों की कर ली जाए तो यहां अब तक 53 लोग कोरोना